जय हिंद दोस्तों। दोस्तों एक अल्टो केटन गाड़ी है, सर्विस के बाद ओवर रेस हो रहा है, तो सर्विसिंग में हमने क्या किया, इसका टोटल बॉडी की सर्विस किया है। तो टोटल बॉडी सर्विस करने के बाद गाड़ी ओवर रेस हो रहा है, जो आरपीएम है वो ज़्यादा रह रहा है और गाड़ी झटका ले रही है, तो ये कैसे ख़त्म होगा। ये चाहे अल्टो हो, वैगनार हो, और आपका जितने भी है मारुति की जो भी 2015 के बाद गाड़ियाँ या 10 के बाद से ही आ रही है इलेक्ट्रिकल टोटल बॉडी, तो लेकिन 2015 के बाद जितने भी गाड़ियाँ हैं उनमें ज़्यादा दिक्कत आ रही है। आपकी एक्सेंट वगैरह में भी इस तरीके का प्रॉब्लम आता है, मैं आपको दिखा दूँ। जैसे कि मैंने ये स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट के बाद भी गाड़ी आरपीएम देख सकते हो आप 1000 से ऊपर है, जो यहाँ लिखा हुआ है देख सकते हो 1000 आरपीएम होना चाहिए, लेकिन ये देख सकते हो किस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है, आरपीएम ऊपर नीचे हो रहा है। तो मैंने क्या साफ़ करा था मैं आपको दिखाऊं। मैं आ गया गाड़ी के बाहर और इसका ये टोटल बॉडी होती है, इसकी सफाई करा, हालांकि मैंने कुछ भी खोला नहीं है, सिर्फ गाड़ी के अंदर से एक्सेलेटर दबा के, चाबी ऑन करके एक्सेलेटर दबा के इसकी सफाई किया, उसके बाद भी ये ओवर रेस हो रहा है। तो जितने भी आजकल गाड़ियाँ आ रही है सब में ये टोटल बॉडी रीसेट करना पड़ता है। तो जो मैकेनिक भाइयों के पास स्कैनर नहीं है वो इसको साफ़ ना करें, तो जिनके पास स्कैनर है वही साफ़ करें इसको। तो जैसे कि मैं आपको बता दूँ, टोटल बॉडी रीसेट करके दिखाता हूँ आपको, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई भी छोटा से छोटा स्कैनर भी होगा तो आपका ये टोटल रीसेट हो जाएगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ टोटल रीसेट करके। टोटल रीसेट करने का तरीका क्या है, टोटल रीसेट करने के लिए सबसे पहले गाड़ी को ऑफ़ करो और चाबी ऑन कर दो। कोई बड़ा स्कैनर की ज़रूरत नहीं है, ये मैं छोटा सा स्कैनर से कर रहा हूँ, आपके पास ओबीडी कोई सा भी स्कैनर होगा उससे कर सकते हो आप। उससे क्या करना है आपको, सिंपली आपको मैं आपको दिखा रहा हूँ, मीटर में चाबी ऑन रखना है आपको, हालांकि कोई लाइट नहीं आ रही है, मैं आपको दोबारा दिखा दूँ, देख सकते हो कोई भी चेक इंजन वगैरह की लाइट नहीं आ रही है, तो कोई फॉल्ट है ही नहीं, लेकिन गाड़ी ओवर रेस हो रही है देख सकते हो आप। तो उसके लिए आपको सिर्फ चाबी ऑन रखना है, चाबी ऑन रखने के बाद मैं आपको दिखा दूँ टोटल बॉडी रीसेट कैसे करते हैं। ये देख सकते हो मैंने ये इंटर दबाया, कोई फॉल्ट नहीं है, मैं चला जाता हूँ पेंडिंग में, देख सकते हो पेंडिंग में भी कोई फॉल्ट नहीं है। तो फिर क्या करें, क्या करने से इसका रीसेट सही होगा, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ एरर को डिलीट करना है, कोड इरेज करना है, रीसेट जो करते हैं डिलीट मारने वाली बटन से। तो मैं इसको ओके करूँगा और मैं आपको दिखाऊँगा, देख सकते हो मैंने ये इंटर कर दिया, और ये सही हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देख सकते हो मैं कुछ नहीं किया, और देख सकते हो गाड़ी का जो नॉर्मल आरपीएम है वो आ गया। तो मेरा वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि सिर्फ आपके पास कोई सा भी छोटा स्कैनर हो उससे आप लाइट को रीसेट कर सकते हो, टोटल रीसेट कर सकते हो, और ये है तरीका इसका। अब देख सकते हो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। अब मैं इसका एक्सेलेटर ले रहा हूँ, छोड़ने के बाद वापस जहाँ की चीज़ वहीं 1000 आरपीएम पे आ गया, 850-900 आरपीएम, मतलब 1000 तक आ गया, ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अगर आरपीएम ओवर रहेगा तो इसमें झटका लेने की प्रॉब्लम और एवरेज कम होने की शिकायत आती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना। जय हिंद।